सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि रहे हैं, जिनका जन्म बंगाल के महिषातल रियासत जिला मेदिनीपुर में सन 1897 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। 3 वर्ष की आयु में मातृहीन हो गए, फिर सारा जीवन घोर संघर्षों में बीता। इनकी साहित्यिक कृतियां सरोज स्मृति, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा रही है, वरदे वीणा वादिनी वरदे इनकी कालजयी रचना रही है, जो कि आधुनिक काल के जगत में हर विद्यालयों में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ गाई जा रही है। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भर दे भर दे वीणा वादिनी भर दे भर दे क्यों बेटा, सूर्यकांत आया था? हाँ बाबा आया था, नदी तरफ चले गए। बहुत देर से आया नहीं। अरे मित्र मित्र। अरे हाँ त्रिपाठी जी। अरे गोपाल दास जी, सूर्यकांत आया क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया सुबह। अरे अभी घर नहीं पहुँचा। तो कहाँ होगा? चलिए उसे ढूंढते हैं। चलिए चलिए। अरे होगा यहीं कहीं, चलिए देखते हैं। Thank you.
सूर्यकांत, सूर्यकांत। सूर्यकांत, तू यहाँ बैठा है बेटा, तुम्हें विद्यालय के बाद सीधे घर आना चाहिए ना। क्या करता घर आकर भी, आप तो नौकरी पर जाते हो और माँ तो घर पे है ही नहीं, इसीलिए सोचता हूँ कि गंगा माँ के तट पर आकर बैठ जाऊँ। अरे क्या कर रहा है राम सहाय जी, छोड़िए छोड़िए, बच्चा है। देखिए ना, रात होने को आई और ये यहीं बैठा है अभी तक। चलो बेटा। देखो ना मित्र, मुझे बहुत चिंता होती है, बिन माँ का बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ताकि मेरी चिंता कुछ कम हो जाए, पर ये मानता ही नहीं, अपने मन की करते रहता है। अरे सब ठीक हो जाएगा राम सहाय जी। अरे काका, आज तो मछुआरों ने तरह तरह की मछली पकड़ी और एक मछली तो बहुत ही बड़ी थी। अरे चुप चुप, पिताजी चिंता करते हैं, समय से घर जाना चाहिए, हर बार थोड़े ना काका बचाने आएंगे। अरे मित्र चलिए। अरे चलिए चलिए, आ रहा हूँ लेकर। इकलौती संतान न जीने देती है न मरने देती। अरे त्रिपाठी जी, समय सब ठीक कर देगा। अरे समझता ही नहीं, अपने मन की करते रहता है। आवारा बनेगा आवारा, पढ़ाई लिखाई में तो मन ही नहीं लगता, आवारा बनेगा आवारा। अरे राम सहाय जी, बच्चा है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। और कब बड़ा होगा ये? अरे ठीक है ना, छोटा है, सीख जाएगा। बाहर में कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ। बाहर में कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ। ऊपर वह बर्फ गली है, नीचे यह नदी चली है, सख्त तने के ऊपर नर्म कली है, इसी तरह हर दिया गया हूँ। बाहर में कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ। आंखों पर पानी है लाज का, राग बजा अलग अलग साज का, भेद खुला सविता के किरण व्याज का, तभी सहज वर दिया हूँ। बाहर में कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ। भीतर बाहर, बाहर भीतर, देखा जब से हुआ अनश्वर, माया का साधन यह सा स्वर, ऐसे ही घर दिया गया हूँ। बाहर में कर दिया गया हूँ, बाहर में कर दिया गया हूँ, बाहर में कर दिया गया हूँ। पायलागु महाराज जी, आवा हो आवा। आशीर्वाद चतरी भाई, आशीर्वाद। आवा महाराज जी, यहाँ बैठिया। ये का है महाराज, बड़का दिन के बाद आगमन हुआ? अरे भाई बहुत सारे काम भी रहते हैं, अब तो आ ही गया हूँ। ये का है पंडित जी, तुम्हारा पाँव में चप्पल नहीं? रुका, अभी चप्पल पहन के जावा। अरे नहीं भाई नहीं, फिर कभी देख लेंगे, पैसे भी तो देने पड़ेंगे। अरे चिंता की कोनो बात नहीं, जब चतरी चमार की दुकान आ ही गवा हो तो चप्पल पहन के ही जावा। अरे नहीं भाई नहीं, तनिक अपन पैर तो आगे करा। लो भाई मानते ही नहीं। ये लो, ये हुई ना कोई बात। अच्छा तो चतरी भाई चलता हूँ। राम राम महाराज जी, राम राम।
ना नाओ इस छाओ बंधु बांधो ना नाओ इस छाओ बंधु बांधो ना बांधो नानाओ इस ठाओ बंधु पूछेगा सारा गाओ बंधु पूछेगा सारा गाओ बंधु बांधो नानाओ इस ठाओ बंधु बांधो नानाओ इस ठाओ घाट वही जिस पर हंस कर यह घाट वही जिस पर हंस कर वह कभी नहाती थी धंस कर आंखें रह जाती थी फंस कर आंखें रह जाती थी फंस कर कपते थे कपते थे थे दोनों पाओ बंधु बांधो नानाओ इस ठाओ बंधु बांधो नानाओ इस ठाओ बंधु वह हंसी बहुत कुछ कहती थी वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी सबकी सुनती थी सहती थी सबकी सुनती थी सहती थी देती थी अलाप निरंजन अलाप निरंजन अलाप निरंजन। अरे महाराज जी कुछ है? अरे आइए महाराज जी अंदर आइए। नहीं 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 यहीं पे दे दो। अरे आ जाओ महाराज, मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेले हैं, आइए दोनों मिलकर खाएंगे। आइए महाराज जी, आइए आइए महाराज, आइए आइए बैठिए महाराज जी बैठिए। ये लो आधा मैं लेता हूँ, आधा आप खाइए महाराज जी। लीजिए महाराज जी, जो भोजन है आधा आप ग्रहण कीजिए, आधा मैं ग्रहण करता हूँ। प्रभु लीजिए, प्रभु जी आप खाइए। महाराज बस अपना जीवन तो ऐसा ही है, जो मिल गया प्रभु की कृपा से उसको ग्रहण कर लिया। आप आ गए, आपके साथ में बैठ के भोजन करके आनंद की प्राप्ति हो गई।
महाराज खाने को बैठा था, मैं आपकी आवाज सुना, मैंने आपको बुला लिया। प्रभु जो मेरे पास में था आधा मैंने आपको दे दिया, आधा मैंने खा लिया। प्रभु अब आशीर्वाद दे। अलाप निरंजन, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। अलाप निरंजन, अलाप निरंजन। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। अरे भाई त्रिपाठी जी, कहाँ खोए हुए हो? त्रिपाठी जी, पायलागू पायलागू। ओहो, आइए आइए नंदलारे जी, अग्गे जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। और कैसे आना हुआ? बस आपके दर्शन करने की इच्छा थी तो ये सौभाग्य हमें मिल गया। ओ त्रिपाठी जी, बड़े दिनों से इच्छा थी दर्शन की, आज पूर्ण हुई। अरे भाई, बड़े गर्मी से आए हो, कुछ गुड़ पानी ले लेते। जी जी जी, ये लो भाई, गुड़ खाओ और फिर अच्छा पानी पियो। क्यों नहीं, बहुत बढ़िया है ये तो। ये लो भाई नंदुलारे जी। जी अग्गे जी, लो पानी पियो और आप भी लो भाई। बस आपके दर्शनों की अभिलाषा थी जो आज पूरी हो गई।
अरे भाई नंदुलारे जी, ये सब कागज बेकार है। आज मैं जो जो सोच रहा हूँ वो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, ये कागज मेरे बेकार है। अरे त्रिपाठी जी, यह कागज का टुकड़ा हमारे लिए बहुत अनमोल है। अज्ञे जी, आप तो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। बस माँ सरस्वती की कृपा है, समाज के लिए कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है। नंदुलारे जी, आपकी मैं पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ, आप बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। गंगा माँ का आशीर्वाद और आपकी कृपा है गुरु जी। ओ, ये तो सब आप लोगों की मेहनत का फल है भाई। अरे भाई पंडित जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस कागज के टुकड़े को यादगार के रूप में रख लूं मैं अपने पास। रख लो भाई, रख लो। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गया था, बहन महादेवी जी का एक संदेश है। बोलो। परसों रक्षाबंधन है, आपको बहन महादेवी के घर पहुंचना है और हम सब भी आएंगे वहां पर। अरे भाई मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे बता दिया। ठीक है, हम सभी भी वहां मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, चलते हैं पंडित जी फिर। कल्याण हो, कल्याण हो। साहित्यकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो विकृतियां आ रही हैं उनका कहीं ना कहीं कविताओं में, साहित्य में उल्लेख किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिल जाए। और आज बहुत अच्छा अवसर है, बहन जी के घर हैं हम, रक्षाबंधन का दिन है, तो इस बात को और इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए पंडित जी, आइए, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ बहन, अब तो आ ही गया हूँ, अब एक काम करिए, आप पहले 2 रुपए ले आइए, फिर मैं बताता हूँ। अरे भाई क्यों, 2 रुपए की जरूरत कैसे? अरे बहन थोड़ा जल्दी भी तो करो, 8 आने रिक्शे वाले को देना है, 8 आने वापस भी तो जाना है, और फिर रक्षा सूत्र जो बांधेंगे उसके लिए 1 रुपए आपको भी देना है, और बाहर रिक्शा वाला इंतजार कर रहा है, थोड़ा जल्दी करो बहन। अरे पंडित जी आइए, कुछ बैठ लें, थोड़ा बहुत थक गए होंगे आप। पंडित जी मुस्कुराते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं। ये लो भाई। क्या बात है बहन, मैं देके आता हूँ। बैठिए पंडित जी। आइए, तो फिर देरी किस बात की है, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी के मुखारविंद से कविताओं के माध्यम से इस पर्व को खुशनुमा बनाया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हिंदी साहित्य के प्रमुख हीरानंद अज्ञेय जी को, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर हाल ही में मेरी रचित एक कविता है, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आंगन के पार द्वार खुले, द्वार के पार आंगन है, भवन के ओर छोर सभी मिले, उन्हीं में कहीं खो गया भवन, कौन द्वारी कौन अगारी ना जाने, पर द्वार के प्रतिहारी को भीतर के देवता ने किया बारंबार पाय लागन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक, श्रीमती महादेवी वर्मा जी को। स्वागत है बहन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में लिखी एक रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा।
बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुक की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल दे दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत बढ़िया। आइए अब हिंदी जगत के महान कवि श्री पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत की। धन्यवाद अज्ञे जी, नंदुलारे जी और बहन जी। मेरी एक नवीन रचना है जो अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नट नयन, प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु अट्टालिका प्रकार चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रूही जो जलती हुई भू गर्द चिंदी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती। अरे भाई कविता पाठ हो गया है, अब बहन जी से राखी बंधवा लीजिए। हाँ बहन। ये लो बहन भाई का उपहार, रक्षाबंधन का और आशीर्वाद। देखो भैया, ये है मेरे भैया सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, बिल्कुल पूर्ण रूप से निराले। अरे भाई निराला जी का तो क्या कहना, इनका व्यक्तित्व ही निराला है। अभी आप सभी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फिल्म को देखा, उनके सभी कलाकारों को देखा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल हर्षांजलि फिल्म प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।